उनको एक सेतु थी, सेतु थी। सेतु अच्छा, तो इसलिए कोई ऐसी भयंकर बात नहीं थी या ऐसा कोई वो गलत बात नहीं थी, उस वक्त आवश्यकता थी क्योंकि हमारा अपना संविधान बन रहा था। मैं ही उस समय सदर रियासत था, मैंने ही संविधान सभा बुलाई और वो संविधान सभा चली और उन्होंने संविधान बनाया भी 1956 में, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल कोई उसका नाम लेता नहीं है, लेकिन वो संविधान मेरे ही हस्ताक्षर से बना जी। इनफैक्ट आप ही के हस्ताक्षर से कश्मीर बना, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बना, और आप ही के हस्ताक्षर से वो फिर शेख अब्दुल्ला भी बने, और फिर उनको वहां से निष्कासित किया। कहते हैं कि वो आप उस समय छोटे थे, यंग थे, तो कहते हैं कि वो कह रहे थे ये कौन ये मिले, ये हाई स्कूल पास और पास जो है व्यक्ति मुझे जो है हटा रहा है यहाँ से, ये छोकरा ये कौन सा छोकरा है। यार वो तो अलग कहानी है, मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जी। तो वहां से लेके फिर ये सारा चलता रहा कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थान देना। लेकिन एक बात बताइए, जब हम 370 की बात कर रहे हैं तो 370 या 35A नासूर कब बन गया? अगर ये सेतु था, एक सेतु था 35 ए और दूसरी बात है, दोनों अलग है। तो 370 तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया जी। तो 35 ए जो था उसका कारण बताऊं मैं। 1929 में पिताजी ने दो काम किए, एक तो ये किया कि भी बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं खरीद सकता यहाँ। क्यों? पैसा कश्मीरी गरीब थे, पंजाबियों ने आके सारी जमीन खरीद लेनी थी और बेरोजगार हो जाने से। आज कोई बेरोजगार कश्मीर में आपको मजदूर नहीं मिलेगा, काम करना होता तो बिहार से मजदूर मंगवाना पड़ता है। तो अपने लोगों को रक्षा के लिए किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि नौकरी बाहर से नहीं ले सकता। क्यों? अगर नौकरी खुली होती तो बंगाली बहुत पढ़े लिखे थे, जम्मू कश्मीर के लोग तो रहे थे, तो जमीन सब पंजाबियों ने लेनी थी, नौकरियों सब बंगालियों ने लेनी थी, वो हमारे लोग कहाँ जाते। तो ये जो था ये अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने किया, ये कोई ऐसी भयंकर चीज नहीं की उन्होंने। हाँ, जो एक हवा बनाया जा रहा है कि भाई पता नहीं ये क्या है, ऐसी बात नहीं थी। लोगों के हक ठीक है, वक्त बदलता रहता है, समय बदलता रहता है और समय समय पर अभी चली गई सारी चीज, लेकिन समझना चाहिए कि इसकी कोई कोई विचारधारा कोई गलत नहीं थी उस वक्त। उसी 35 ए को बचाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब इक्वल है, तो हमारे यहाँ तो इक्वल नहीं रखे थे, इसलिए उसको बचाने के लिए 35 ए डाला गया कि जो रिफॉर्म हमारे स्टेट में हुए हैं वो बचे रहे। लेकिन वो उसको यूज कर लिया गया दूसरे तरीके से। हाँ, यूज की मतलब पॉलिटिक्स ने उसको पॉलिटिक्स में हर एक, क्योंकि हर एक अपना चाहता था मैक्सिमम ऑटोनॉमी, तो शेख अब्दुल्ला मैक्सिमम ऑटोनॉमी चाहते थे, इंडिया पोल की तो थी हमेशा मिनिमम ऑटोनॉमी। तो यही कश्मकश चलती रही 1947 से लेके और ये जो 6 साल पहले 2018 में जो हुआ उसके बीच में ये जो वक्फा था, इसमें यही बात चलती रही कि कितनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी।